माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नंबर 6 लास्ट वीडियो दे विच आपां देखिया सीगा कि पेज लेआउट दे विच आपां मार्जिन ओरिएंटेशन साइज थीम पेज ब्रेक किस तरह यूज करदे आ सो आपां पेज लेआउट दीआं जिहड़ीआं बाकी ऑप्शनस बच गईआं सी ओह अज इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे सो जल्दी नाल वीडियो स्टार्ट करदे आ ते उस तों पहलां जिहड़े चैनल दे उत्ते नवें आ सबसक्राइब जरूर कर लैणा चैनल नूं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्सिया करो कि वीडियो किहो जिही लगी तां कि तुहानूं मैनूं होर वी ज्यादा तुहाडे वल्लों जिहड़ी आ मोटीवेशन मिल सके मैं होर ज्यादा तुहाडे लई वधिया तों वधिया वीडियोस बना सकां तां कि तुहानूं बहुत ज्यादा वधिया जिहड़ी कंप्यूटर दी नॉलेज मिल सके सो जल्दी नाल वीडियो स्टार्ट कर दिया सब तो पहला एम एस वर्ड नूं ओपन कर दिया स्टार्ट बटन ते क्लिक किया ऑल प्रोग्राम्स ते क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ते क्लिक करांगे दैन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उत्ते क्लिक करांगे दैन अपना जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा हुण इहदे विच एक डॉक्यूमेंट आपां लास्ट बनाया सी ओपन कर लैंदे आ फाइल बटन ते जाके ओपन ते क्लिक किया दैन डिस्कटॉप दे उत्ते मेरा उह जिहड़ा डॉक्यूमेंट पिया आ जिहनूं आपां लास्ट किरण सोडी नाम दे उत्ते सेव किया सी सो मैं उहनूं ओपन कर लैंदी आ क्योंकि उहदे विच आपां एडिटिंग करांगे बाकी जिहड़ियां टैब्स अपनियां रह गईआं आ सो देखो होम टैब आप कर ले सी इनसर्ट टैब दियां आप सारियां पढ़ लईआं सीगियां पेज लेआउट दियां सम जिहड़ियां सी आप कर लईआं सी इत्थों लैके इत्थे तक जिहड़ियां कर लईआं सी नैक्सट अपनियां जिहड़ियां आ उह मतलब रहिंदियां सी वाटरमार्क जिहड़ा अज आप करना आ सो आप वाटरमार्क दे उत्ते मैं क्लीयर क्लिक करदी आ वाटरमार्क दे उत्ते जदों मैं क्लिक कीता इहदे विच अपने कोल जिहड़ियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन होणियां आ इहनां विच तुसीं चूज़ कर सकदे हो किहड़ी तुसीं लैणा चाहुंदे हो सपोज़ मैं फस्ट वाली लै लई फस्ट वाली क्लिक की देखो मेरे पेज के साइड मतलब बैक के उत्ते देखो ये बन गया है देखो कॉन्फिडेंशियल लिखा आता पिछे लिखा हुआ है मतलब कि डायगनली लिखा हुआ है ये हम देखो इन्हें मैं चेंज करना कलर चेंज करना दैन कस्टम के उत्ते मैं क्लिक करूँगी कस्टम वाटरमार्क के उत्ते दैन देखो इतने टैक्सट ये कॉन्फिडेंशियल जितने लिखा हुआ इतने मतलब मैं चेंज कर सकती मतलब मैं इतने लिख दिता लॉकडाउन टैक्स स्टडी जो भी तुम लिखना चाहते हो तुम अपना वाटरमार्क अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो सो इस तरह मैं इतों कलर कोई डार्क जहा ले लैनी ताकि जोड़ा थानू ज़्यादा विजिबल हो सो इतों मैं फॉन्ट भी ले लैनी एरियल ब्लैक ले लैनी हाँ और मैं ओके कर दी हाँ देखो इतों डायमंड जा तुसी होरीजेंटल जिहड़ी आ उह लै सकदे डायगनल जा होरीजेंटल सो आ देखो डायगनल दे विच हुण तुहानूं ज़्यादा क्लीयर जिहड़ा शो हो रहा होना कि लॉकडाउन टैक्स स्टडी इस तरह जिहड़ा ये अपना वाटरमार्क हुंदा जिहड़ा अगे अपने पेज के पिछे लगाया जाता है सो ये अपना वाटरमार्क देखो कस्टम दे इहदे विच आपां पिक्चर अगर लगाउणी होवे देखो इहदे विच ही आपां कस्टम दे विच जाणा उपर पिक्चर दे उत्ते जाणा सिलैक्ट पिक्चर दे उत्ते क्लिक करना दैन इतों आप कोई भी अपने कंप्यूटर के जी पिक्चर आ वो सिलैक्ट कर सकते सपोज मैं आ वाली पिक्चर जी सिलैक्ट कर ली है देखो ये पिक्चर लग गई है दैन ओके करना देखो इतों तुम साइज़ लै सकते हो कि आटो रखना या कोई भी जोड़ा भी साइज़ तुम जो सपोज मैं 150 कर दिता देखो 150 करन दे नाल ये जिहड़ा आ मेरी पूरी पेज के उत्ते बैक के उत्ते चले गया है देखो हुण मैं जे इहनूं कल्ला सेंटर में चाहुंदी दैन मैं दोबारा कस्टम मार्क के उत्ते क्लिक करूँगी तो इहदा साइज़ घट कर दूँगी मतलब 50% कर दिता मैं हुण ओके दे उत्ते क्लिक किया देखो हुण ये सेंटर सेंटर के विच ही आ सिर्फ बाकी पेज मेरा जिहड़ा आ उह वाइट ही आ सो वाटरमार्क जिहड़ा मैं सेंटर के विच लगा लिया सो इस तरह इहदियां चेंजेस कर सकदी नैक्सट हैगा पेज का कलर हुण पेज का कलर इत्थों तुसीं कोई भी जिहड़ा आ इत्थों कलर लगा सकते हो सपोज़ मैं आह वाला जिहड़ा कलर इत्थों चूज़ कर लैंदी आ देखो जो तुम ये वाला कलर चूज़ कर लेंगे दैन ये को मोर कलर्स भी होंगे तो ये तुम मोर कलर स्टैंडर्ड कलर जिस तरह का भी कलर लैना चाहते हो ले सकते हो देखो इतने आप इफेक्ट के उत्ते क्लिक किया फिल इफेक्ट के उत्ते जो मैं इतने वन कलर मतलब एक कलर होगा टू के टू कलर हो सपोज़ मैं टू कलर लेने हूँ इतने मैं दूसरा कलर जो ये वाला लैना चाहती हूँ मैं चूज़ कर लिया उस तो बाद इतों किस तरह का लैना चाहते हैं वो वर्टिकली आए देखो डायगनल अप आए डायगनल डाउन आए ठीक है इन्होंने जिस तरह का भी चूज़ करना चाहते हो तुम चूज़ कर सकते मैं डायगनल अप कर लिया देखो ये दो कलर आ गए पेज के उत्ते सो इस तरह की जी डिजाइनिंग आ पेज की तुम कर सकते हो नैक्सट है पेज का बॉर्डर पेज बॉर्डर के उत्ते क्लिक किया दैन इतों तुम अपना बॉर्डर का स्टाइल चूज़ कर लेना कि किस तरह का थानू बॉर्डर जो चाहिए उस तो बाद बॉर्डर का कलर चूज़ कर लेना सपोज मैं ब्लैक ही ले लैनी जो ज़्यादा विजिबल होगा उस तो बाद तुसी उहदी थिकनेस लै लैनी है कि किन्ना कु उहो विड्थ उहदी होवे ठीक है मैं इहदी 1 PT लै लई आ फिर उस तो बाद जिहड़ा इहदे विच तुसी कोई भी किसी तरह का स्टाइल चूज़ कर सकते हो मतलब कोई भी किसी तरह का लगाना होवे इधरों जिहड़ियां ऑप्शनस आ इहनां विच तुसी किसी भी तरह का जिहड़ा उह चूज़ कर सकते हो बॉर्डर किस तरह का चाहिए मैं ओके किया देखो बॉर्डर अपने पेज के उत्ते लग चुका है सो इस तरह जिहड़ा आ आपां इह बॉर्डर नूं लगा सकते हैं हुण देखो इहदे विच अपने कोल जिहड़ी शैडो एक ऑप्शन है शैडो दे विच आपां किसी तरह दी कोई शैडो जिहदे मैं येलो कलर की लगाउणी आ दैन इतों मैं जिहड़ा क्लीयर कर दिंदी हाँ कि मैनूं किस तरह की चाहिए है सपोज़ मैं इतों जिहड़ा आ उह क्लीयर चूज़ कर लैनी हाँ
क्लीयर चूज़ किया, मैं ओके देते क्लिक कर दी। देखो मेरा फस्ट पैराग्राफ जिथे मेरा कर्सर से मतलब उन्होंने हाईलाइट कर दिता जैलो कलर के। हम देखो इंडेंट आ जिहड़ा एरो आ, इस एरो नूं मूव होना जो मैं इत्थे क्लिक किया वन लिख के एंटर किया, देखो यह मेरा इधर चले गया, इस एरो इत्थे चले गया। सो एरो जिहड़ा मेरा नाल ही पैराग्राफ भी चेंज हो गया। सो इस तरह मैं राइट तो आ वाले एरो नूं जो चेंज करना मतलब इतों इंडेंट मतलब वन टाइप करूँगी एंटर करूँगी, देखो ये आटोमैटिकली मेरा इधर नूं चले गया, श्रिंक हो गया। मतलब कि यह होंगे अपने इंडेंट जिन्हों आप चेंज कर सकते हैं। सो नैक्सट है अपने को स्पेसिंग। स्पेसिंग होंगी है देखो जिहड़ी इंडेंट हों राइट लैफ्ट और राइट तो जी स्पेसिंग होंगी अप एंड डाउन तो होंगी। सो इतने अगर मैं 10-10 PT लैनी मतलब कि उपरों स्पेस थोड़ी जी जी पैराग्राफ की उपरों स्पेस जी 10% जी उपरों हो जाएगी तो 10 पॉइंट जी नीचे हो जाएगी। सो इस तरह ही आटोमैटिकली हो जाएगी, अपन स्पेस बार दब के लैन की लड़ नहीं पवेगी। नैक्सट आप हम करते हैं कि कोई पिक्चर नू ऐड करना, और उस पहले मैं पिक्चर ऐड कर लैनी हूँ फिर उस तो बाद देखती हूँ। देखो मैं इतने इनसर्ट बटन च गई, उस तो बाद इतों मैं पिक्चर सिलेक्ट की और इनसर्ट कर दी। देखो ये पिक्चर आ गई, इन्हें मैं थोड़ा एडजस्ट कर लिया। देखो पोजिशन दे देखो मैं जे वो लैफ्ट पर क्लिक कर दी लैफ्ट चल जाती, सेंटर पर क्लिक कर दी सेंटर, राइट पर क्लिक कर दी दैन राइट पर आटोमैटिकली पिक्चर जी मेरी चेंज हो रही है। देखो इस तरह मिडल के जा रही है, मिडल के लैफ्ट राइट के जा रही, उसी तरह बॉटम के लैफ्ट राइट के जा रही है। इस तरह आप जी पोजिशन इतों सैट कर सकते हो। नैक्सट है वर्ड रैप। देखो मैं ये क्लिक किया दैन ये आटोमैटिकली कॉलम दोनों थले आ गया, पिक्चर उपर चले गई है। सो इस तरह अगर मैं बिहाइंड द टैक्सट के उत्ते क्लिक करूँगी पिक्चर जी मेरी पिछे चलेगी, टैक्सट उत्ते लिख हो गया आ। सो इसी तरह फ्रंट ऑफ द टैक्सट हो जानी। इस तरह ये सारिया वर्ड रैप दियाँ टैक्सट दियाँ सैटिंग्स आ वो सारियाँ आप इतों कर सकते कि किस तरह का अपन जी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि किस तरह की वो पोजिशन होनी चाहिए है पिक्चर की। सो आप इतों जी ये चूज करनी होंगी है। नैक्सट अपने को इस तरह ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब पिक्चर जी फॉरवर्ड होनी चाहिए आ जा बैकवर्ड होनी चाहिए आ उसके अकॉर्डिंग जरा इतों सेंड कर सकते हो। सो इस तरह आप सेंड बैकवर्ड भी कर सकते। देखो सिलेक्शन पैन के उत्ते जो क्लिक किया दैन इधरले पास एक पैन ओपन हुआ जिद मेरी पिक्चर शो हो गया, तो मैं इतने अनटिक करती हाँ दैन यह जी मेरी पिक्चर इनविजिबल हो जाती है। सो इस तरह जोड़ा आप जोड़ा ये चेंजस कर सकते हैं। नैक्सट है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दैटिंग्स अगर पिक्चर की अलाइनमेंट आप इधर उधर करनी होंगी लैफ्ट राइट सेंटर दैन वो सारी आप सैटिंग जी इतों कर सकते, ग्रिड लाइनस चाहिए तो वो भी इतों चूज कर सकते हैं। सो यह अपन पेज लेआउट दियाँ ऑप्शनस, तो आप जरा होम इनसर्ट तो पेज लेआउट कंप्लीट कर चुके हैं। तो नैक्सट अपना टॉपिक हो गया रेफरेंसिस, तो मिलते हैं अगले टॉपिक। सो चैनल सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन के आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।